संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ परिक्षेत्र के DIG सुभाष चंद्र दुबे ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। सुभाष चंद्र दुबे 2005 बैच के IPS अधिकारी हैं। सुभाष चंद्र दुबे मूल रूप से प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लंबुआ के निवासी हैं। इससे पहले वह सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर सहित करीब एक दर्जन जिलों में SP के पद पर रह चुके हैं। शासन ने 18 जनवरी को DIG PSC मुरादाबाद से आजमगढ़ DIG के पद पर तैनाती दी थी। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नवनियुक्त DIG सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पुलिसिंग व्यवस्था, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण व शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शासन की मंशानुरूप पुलिसिंग हो, कानून व्यवस्था हमेशा छोड़ बनी रहे और अपराध एवं अपराधियों पर हमेशा कठोर कार्रवाई हो, इसका पर्यवेक्षण करना मेरा उत्तरदायित्व है और निश्चित रूप से शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग अपनी इस कर्तव्य भावना के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। केवल आजमगढ़ मंडल के ही बारे में नहीं सही है, लगभग हर जगह रेवेन्यू मैटर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा जटिल प्रवृत्ति के होते हैं और उनको लेकर के आपस में जब लोगों में क्लैश होता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके लिए शासन ने समाधान दिवस, जिसे पहले हम लोग थाना दिवस कहते थे, समाधान दिवस भी चल रहा है, पूर्ण समाधान दिवस के रूप में तहसील दिवस चल रही है, उन सब का ग्राउंड लेवल पर प्रभावी क्रियान्वयन हो और जो भी इस प्रकार के रेवेन्यू नेचर के डिस्प्यूट्स हैं उनमें पुलिस व रेवेन्यू की ज्वाइंट टीम मौके पर जाकर के प्रकरण का न केवल विधिक निस्तारण करे बल्कि ग्राउंड लेवल पे ऐसा निस्तारण हो जो ठोस हो। कभी कभी ऐसी भी ज़्यादातर स्थितियाँ होती हैं कि एक दूसरे पर टाल देने की भी प्रवृत्ति आती है तो जिससे समस्या समाधानित नहीं होती बल्कि वो किसी न किसी रूप में दीर्घकाल तक बनी रहती है। उससे बचने के लिए मैं अपने रेंज के सभी SPs से कहूँगा, लोगों को इस चीज़ के लिए अपनी तरफ से भी मोटिवेट करूँगा कि ज्वाइंट टीमें ज़्यादा से ज़्यादा मौके पर जाएं और रेवेन्यू डिस्प्यूट्स का मौके पर ही समाधान।